इस वक्त हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सैकड़ों की संख्या में किसान जो हैं वो अपनी 26 जनवरी से पहले ही अपना दमखम दिखा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और दिल्ली कूच करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे किस विषय को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम आस मोहम्मद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो आज रैली निकाली जा रही है पूरे खुर्जे में, दमखम दिखाया जा रहा है किसानों का, और किस विषय को लेकर ये रैली निकाली जा रही है? आज ये रैली जो हमारी निकाली जा रही है ये अपनी यूनियन के लोगों को जागरूक करने के लिए और किसानों को इकट्ठा करने के लिए ये रैली हम निकाल रहे हैं। और कल जो है हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, हमारे 100 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच करेंगे, इसी सिलसिले में ये हमने आज रैली का आयोजन रखा है। और भी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और भी मैं किसान नेताओं से जानकारी जुटाऊंगा किस विषय को लेकर वो है और दमखल दिखा रहे हैं किसान, और किसानों जो हैं ये कहां से कहां तक की रैली निकाली जा रही है। ऐसा है, जो हमारे किसान भाई 26 जनवरी पर परेड निकालेंगे दिल्ली में, हम किसानों को जागरूक करने के लिए सभी और मजदूरों को, किसानों को जो जुड़े हुए हैं किसान से, हम उन सभी के लिए जागरूक करने के लिए आज हमने रैली निकाली है। जैसे हम कल 25 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना होंगे खुर्जा से, तो कल यहाँ से तुम किसान भाई सभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे, कितने ट्रैक्टरों के साथ हो रहे, कितने किसान भाई यहाँ? हम कम से कम 100 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ से हमने एकत्रित किए हैं और दिल्ली कूच करेंगे सभी को एक साथ। इसलिए आज हम एक दिन पहले जागरूक करने के लिए, सभी को एकत्रित करने के लिए हमने ये रैली निकाली है। एक किसान भाई और भी मौजूद है, किसान नेता, अपना परिचय दें। मेरा नाम नवाब, किसान यूनियन से हूँ, मंडल मंत्री मजदूर से। कितने लोग दिल्ली कूच करेंगे कल, कितने ट्रैक्टरों के साथ? कम से कम 100 ट्रैक्टर जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली जाके रहेंगे और अपनी बात मांग जो है हमारी किसानों की वो मंजूरी करा कर रखेंगे। अभी तक जो है 11वें दौर तक की बैठक जो है, बातचीत किसान की और सरकार के बीच की, वो फेल हो चुकी है। अभी आगे को क्या बात बन पाएगी? आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारा जो नगर न मानते तो आगे को रहेगा, बिल वापसी करने पड़ेंगे और हमारा प्रयास जब तक रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं रहेगा। तो युवा किसान नेता भी यहाँ मौजूद है मेरे साथ में बने हैं, युवा किसान नेता, अपना परिचय दें। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं भारतीय किसान महाशक्ति में प्रदेश प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ। काफी युवा किसान लोग जो हैं वो अब किसानों के साथ हैं, तो अपनी जो 11वें दौर की बैठक भी आप किसान के और सरकार के बीच की जो थी वो भी फेल हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे बात नहीं बन पाएगी, तो क्या सरकार किसान के सामने झुक पाएगी? बात बनेगी, बात क्यों नहीं बनेगी, ये तो बिल तो इन्हें वापस करने ही पड़ेंगे। ये किसान इतने दिनों से यहाँ पे पड़ा है, सरकार को सुननी चाहिए, और ये अपनी मनमर्जी चला रही है, ये गलत कर रही है ना। किसान भाई इतने परेशान हैं इसमें, मतलब ये तीनों बिल जो हैं ये तो खत्म करने पड़ेंगे, वरना इसके लिए 26 तारीख को सुबह हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो देखो ये किसान थे, इनकी एक ही मांग है, एक ही मांग है सभी किसान भाइयों की, बिल वापसी, जिसको लेकर आज 26 जनवरी से पहले ही ये अपना दमखम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों की संख्या में किसान भाई आज एसडीएम ऑफिस तक यहाँ ये अपनी रैली निकाल रहे हैं, जो कि एसडीएम को अपना ज्ञापन देकर और कल दिल्ली कूच करेंगे। बताया गया है कि 100 ट्रैक्टरों के साथ काफी संख्या में किसान भाई यहाँ दिल्ली कूच करेंगे। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।